गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी स्किन जर्नी। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ मेरी हेयर जर्नी भी शेयर की थी और वो वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी स्किन जर्नी। मैंने भी कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की है, जैसे कि पिंपल्स, एक्ने, एक्सेसिव ऑयली स्किन, ये सब प्रॉब्लम्स फेस की है। और थंबनेल में आपने कुछ पिक्स भी देखी होगी जहाँ पे आपने देखा है कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा डल थी, बिल्कुल क्लीन क्लियर नहीं थी। लेकिन अभी मेरी स्किन पहले से कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्किन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्किन की टेक्सचर इम्प्रूव हुई है, स्किन में नेचुरल एक ग्लो भी है। अभी लोग मुझे पूछते भी है कि मैं क्या क्या अप्लाई करती हूँ स्किन के लिए, और मैं आप लोगों के साथ वीडियोस भी स्किन रिलेटेड वीडियोस बहुत ज़्यादा शेयर भी करती हूँ। सो अब मेरी स्किन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मेरी इस स्किन की जर्नी ही मैं शेयर करने वाली हूँ, फ्रॉम डल स्किन टू क्लीन क्लियर एंड हेल्दी स्किन। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है एंड मैं बहुत ही बेसिक से बेबी स्टेप्स जो है ना वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने पर्सनली फॉलो किया है, और ये स्टेप्स मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। आई होप आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी। सो मेरी स्किन जर्नी के साथ साथ मैं कुछ ऑनेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मेरे लिए तो हेल्पफुल थी, तो आई होप आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पानी, यानी वाटर। तो वाटर तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करने वाली हूँ। लेकिन मैं स्पेशली बात करने वाली हूँ इस पॉइंट में डिटॉक्स वाटर के बारे में, और प्लस एक सिंपल सा वाटर रूल जो मैं फॉलो करती थी जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल थी, एंड इवन अभी भी मैं इसे कंटिन्यूसली फॉलो करती हूँ, वो भी शेयर करूँगी। सुबह उठ के ही मैं खाली पेट 3 ग्लास पानी पीती हूँ, नो मैटर व्हाट, जो भी हो जाए, लेकिन ये मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। एंड जो वाटर मैं पीती हूँ वो होती है ल्यूक वार्म, ठंडा पानी नहीं पीती हूँ मैं बिल्कुल भी, और वो मैं ब्रश करने से पहले पीती हूँ पानी, क्योंकि सुबह उठने के बाद हमारी माउथ में सलाइवा होती है ना, वो सलाइवा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। हमारी जो भी फूड है ना वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी वो स्किन में भी रिफ्लेक्ट होती है, हमारे ओवरऑल हेल्थ में भी रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी इंटरनली क्लीन रहेगी तभी जाके वो अपनी आपकी स्किन एंड हेल्थ में रिफ्लेक्ट होती है। 3 ग्लास ऑफ पानी ये हमेशा फॉलो करती हूँ। आई नो ये थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, लेकिन आप 1 ग्लास से शुरू कर सकते हो एंड धीरे धीरे करके आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। इससे क्या होता है कि पिंपल्स, एक्ने, ये बिल्कुल भी नहीं होती है। तो 3 ग्लास ऑफ वाटर इज अ मस्ट इन द मॉर्निंग। तो अभी बात आती है डिटॉक्स वाटर की। तो जैसा कि मैंने बताया है कि मैं सुबह उठ के 3 ग्लास ऑफ पानी पीती हूँ, सो सुबह उठने के तुरंत बाद ही मैं 1 ग्लास गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज करके मैं वो पीती हूँ, और फिर 5 मिनट्स का गैप देती हूँ, और 5 मिनट्स के बाद मैं नॉर्मल जो ल्यूकवार्म वाटर होती है वो ल्यूकवार्म वाटर में 2 ग्लास पीती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरी जो 3 ग्लास वाटर पीने की जो एक रूल है ना वो कंप्लीट हो जाती है। सुबह उठने के तुरंत बाद अगर फर्स्ट आप विटामिन सी लेते हो बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आपकी स्किन और आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। एंड प्लस ये लेमन वाटर क्या करती है, आपकी बॉडी में जो भी अनवांटेड टॉक्सिन्स है ना उसे फ्लश आउट कर देती है, जिससे कि आपकी बॉडी ओवरऑल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। एंड दिन में टोटल मैं 3 लीटर्स पानी पीती हूँ। आप भी एटलीस्ट 2 या फिर 3 लीटर्स पानी तो डेली आपको पीनी ही है, वो तो आई थिंक पता ही होगा। सो इतना ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी इसके बारे में। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने फॉलो की थी एंड जो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है, वो है कि पहले मैं क्या करती थी, मेरे घर वाले जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे ना वही मैं यूज़ करती थी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए कौन सी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो मेरी मॉम जो यूज़ करती थी वही मैं यूज़ करती थी, लेकिन इसकी वजह से मेरी स्किन भी इतनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं थी, स्किन बहुत ज़्यादा डल टाइप थी। लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, क्योंकि धीरे धीरे करके जब मैंने यूट्यूब में वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया था तब मैंने बहुत ज़्यादा स्किन रिलेटेड वीडियोज देखा था, एंड उन वीडियोज़ को देख के मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया था स्किन केयर के बारे में। एंड तब मुझे पता चला था कि हमें हमेशा स्किन केयर अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, लेकिन ये नॉलेज मुझे पहले नहीं थी, जिसकी वजह से मैं जो भी क्रीम मेरे पास था वही मैं यूज़ कर लेती थी। जब मुझे इसके बारे में नॉलेज मिली थी तब मैंने धीरे धीरे करके स्किन केयर करना स्टार्ट कर दिया था एंड अकॉर्डिंग टू माई स्किन टाइप। ओके, सो सिर्फ स्किन केयर करने से नहीं होता है, स्किन के टाइप जो है आपकी उसे आपको पहले जानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्किन केयर करनी चाहिए। सपोज आपके फ्रेंड को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सूट कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको भी सूट करेगी, क्योंकि
आपकी स्किन और आपकी फ्रेंड की स्किन बहुत ज़्यादा अलग होती है, तो इसीलिए आप वाइजली डिसीजन लीजिए, जो भी आप अप्लाई करती हो मेक श्योर कि वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। एंड अभी तो सारे प्रोडक्ट्स में लिखा ही होता है फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन, फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, ये सारी लिखी होती है, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एंड जब आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग स्किन केयर करना स्टार्ट कर दोगे, तब आप ऑटोमेटिकली देखोगे आपकी स्किन में एकदम ड्रास्टिक डिफरेंस आएगी। अगर इस तरीके से मेरी भी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन थी, तो इसलिए मैं तो ऐसा मैंने फेस वॉश चूज़ किया या फिर क्रीम चूज़ किया जिसमें ऑयल ना हो, ऑयल फ्री हो। जैसे कि मॉइस्चराइजर के लिए मैं बेसिक सा ये एलोवेरा जेल यूज़ करती थी, या फिर कभी कभी मैं ये क्लीन एंड क्लियर का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, या एंड फेस वॉश के लिए मैं हमेशा क्लीन एंड क्लियर ऑयल फ्री फेस वॉश ही यूज़ करती हूँ। वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट फेस वॉश है, मेरी स्किन टाइप के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो अगर आपकी भी ऑयली जो कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश भी ट्राई कर सकती हो, बहुत ज़्यादा अमेजिंगली वर्क करती है। वीकली स्किन केयर रूटीन मैं फॉलो करती थी, जैसे कि वीक में 2 बार एटलीस्ट मैं फेस पैक अप्लाई करती हूँ, एंड वीक में 1 बार स्क्रब भी मैं करती हूँ, क्योंकि स्क्रब भी बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन स्क्रब आपको करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रब से क्या होता है, हमारी जो भी जमी हुई डेड स्किन की लेयर है ना, वो रिमूव हो जाती है, एंड जो न्यू स्किन है ना वो ऊपर आती है, जो बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, मुलायम होती है। स्क्रब भी आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। तो ये तो रहा स्किन केयर के बारे में। एंड स्किन केयर में और भी एक स्टेप है, वो है नाइट स्किन केयर रूटीन। तो आपको सिर्फ सुबह एक बार अपने फेस वॉश किया, क्रीम लगा लिया, सनस्क्रीन लगा लिया, ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा नाइट में भी अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। नाइट स्किन केयर रूटीन जो आप मॉर्निंग में फॉलो करते हो, सेम आप वो नाइट में भी फॉलो कीजिए। सिर्फ सनस्क्रीन के स्टेप को आप स्किप कर सकते हो, सेम नॉर्मल CTM रूटीन आप कर सकते हो, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड दैट्स इट। लेकिन रात को आपको हमेशा करनी है, क्योंकि रात में ही हमारी स्किन रिपेयर होती है, क्योंकि कोई भी डर्ट, पॉल्यूशन, ये सब कुछ भी नहीं होती है। तो नाइट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। आई नो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं बहुत लोग, तो उन्हें पसंद नहीं है करना, लेकिन अगर आप अपनी स्किन के टेक्स्चर को इम्प्रूव करना चाहते हो, स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हो, देन डेफिनेटली नाइट स्किन केयर रूटीन आपको करनी ही है। मैं हमेशा इसे फॉलो करती हूँ, नो मैटर व्हाट, जितना भी जो भी प्रॉब्लम हो जाए, मैं नाइट को एटलीस्ट फेस वॉश और मॉइस्चराइजर तो अप्लाई करती ही हूँ। एंड जब मेरे पिंपल, टीनेज में पिंपल होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड बहुत लोग फेस भी करते हैं, एंड पिंपल होने के बाद क्या होता था, मेरी स्किन में पिंपल की स्कार्स भी रह जाती थी। पिंपल के लिए मैं आइस क्यूब्स यूज़ करती थी, एंड वो भी चंदन की आइस क्यूब, क्योंकि चंदन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारे पिंपल्स के लिए। तो मैं चंदन का आइस क्यूब बना के मैं उस एरिया में अप्लाई करती थी जहाँ पर भी मेरे पिंपल्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी है मेरे लिए। पिंपल की स्कार्स ऑलरेडी हो जाती थी, तो वहाँ पर मैं अप्लाई करती थी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल स्कार्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो मेरे लिए कोकोनट ऑयल बहुत ही इफेक्टिवली काम करी है मेरी स्कार्स को रिमूव करने के लिए। एंड धीरे धीरे मुझे पिंपल्स के लिए और एक सॉल्यूशन मिली थी, तो वो है ये क्लीज जेल। ये एक मेडिकेटेड जेल है, तो मैं इसे हमेशा यूज़ नहीं करती हूँ, जब मुझे लगता है कि ओकेशन है सामने, तभी मैं ये क्लीज जेल यूज़ करती हूँ। वैसे अगर मुझे ऐसे नॉर्मल पिंपल होती है, तो मैं होम रेमेडीज ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि मैं एक बहुत बड़ा मिस्टेक करती थी पहले, और जिससे कि मेरी स्किन डल से भी बहुत ज़्यादा डल हो गई थी, बिल्कुल भी ग्लो नहीं था, स्किन एकदम से टैन हो गई थी, तो वो था सनस्क्रीन मैं अप्लाई नहीं करती थी। क्योंकि टीनेज में क्या होता है, हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, एंड स्कूल भी जाती थी पैदल आती थी, और इतना ज़्यादा अम्ब्रेला वगैरह भी मैं कैरी नहीं करती थी, जिससे क्या हुआ, स्किन एकदम टैन हो गई। एंड जब टैन हो जाएगी आपकी स्किन, स्किन में ग्लो नहीं रहती है, एंड सन की यूवी रेस से, और नहीं सन की यूवी रेस और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्किन में, रैशेज, इचिनेस, रेडनेस, ये सब होती है। तो तब मैं सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करी थी, इसलिए मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल थी। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे सनस्क्रीन के बारे में पता चला, तो मैंने सनस्क्रीन के बारे में पता तो था पहले भी, लेकिन मैं यूज़ नहीं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, यूज़ नहीं करती थी। लेकिन इसके बाद मैंने सनस्क्रीन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। एंड फर्स्ट तक मुझे सनस्क्रीन के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैं एक सनस्क्रीन मैंने यूज़ किया था जो बहुत ज़्यादा ऑयली थी, तो मुझे पसंद नहीं आया, तो इसलिए 2-3 दिन मैंने यूज़ किया और फिर मैंने छोड़ दिया, और फिर से मैं सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करती थी। ऐसा लगता था कि सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, ग्रीजी होती है, तो मैं नहीं अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन इसके बाद मुझे पता चला मैक्स सनस्क्रीन के बारे में, और मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मुझे सनस्क्रीन चूज़ करना चाहिए उसके बारे में पता चला, तो तब से मैं मैक्स सनस्क्रीन ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन के लिए मैक्स सनस्क्रीन बहुत अमेजिंग वर्क करती है। तो अगर आप सनस्क्रीन इसलिए यूज़ नहीं करते हो कि बहुत ज़्यादा ग्रीजी होती है, ऑयली होती है, वाइट कास्ट देती है, तो आप मैट सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हो। लोटस की आती है, न्यूट्रीजना की आती है, आप वो देख सकते हो। सनस्क्रीन का एक सेपरेट वीडियो भी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है मेरे चैनल में, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आप कैसे सनस्क्रीन चूज़ करोगे, और कुछ सनस्क्रीन के नाम भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो बेटर नॉलेज के लिए। तो वही है कि मैं सनस्क्रीन अभी कंटिन्यूअसली मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, घर में रहती हूँ फिर भी यूज़ करती हूँ, ओके, क्योंकि सनलाइट तो आती है विंडो से, डोर से, वेंटिलेटर से सनलाइट तो आती है, तो घर में भी मैं 9 AM टू 5 PM हमेशा सनस्क्रीन वेयर करके ही रखती हूँ। एंड बाहर जाती हूँ तो सनस्क्रीन को 2-3 घंटे के बाद मैं रीअप्लाई करती हूँ। बहुत लोगों को सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद भी स्किन टैन हो जाती है, स्किन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होती है, इसका मेन रीज़न ये होता है कि आप सनस्क्रीन को रीअप्लाई नहीं करते हो। सनस्क्रीन को 3 घंटे के बाद हमेशा रीअप्लाई करनी चाहिए, ओके। और ये
स्किन का स्टेप जब से मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है तब से मेरी स्किन की टेक्सचर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। जो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल थी वो अभी बहुत ज़्यादा क्लीन क्लियर हुई है। तो सनस्क्रीन आप ज़रूर यूज़ कीजिए। तो थर्ड जो पॉइंट है वो है बैलेंस डाइट, यानी आप ऐसा कुछ फूड्स अपने डेली डाइट में इंक्लूड कीजिए जिसमें सारी न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हो। और ये हमारी जो नॉर्मल हम डेली खाना खाते हैं, चावल, दाल, सब्जी, ये सब खाते हैं, तो उसमें आपको ये सारी न्यूट्रिएंट्स मिल ही जाती हैं। तो आपको एक्स्ट्रा करके एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट्स वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस, जंक फूड को तो बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है। जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब आपको अवॉइड करनी है। एंड जंक फूड सिर्फ बाहर जो हम पिज़्ज़ा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, वही सिर्फ जंक फूड नहीं है। आप घर में भी अगर पिज़्ज़ा बना के खाते हो तो वो भी जंक फूड ही है। अगर आप घर में चाउमीन बना के खाते हो तो वो भी जंक फूड ही है। बहुत लोग सोचते हैं नहीं, हम तो घर में बना के खा रहे हैं तो वो कैसा जंक हुआ। नहीं, पिज़्ज़ा बाहर का हो, घर का हो, जंक जंक ही होता है। तो आपको घर में भी ये सब बिल्कुल भी नहीं खानी है। इससे आपकी स्किन में पिंपल्स, एक्ने, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैं मिडिल में बहुत ज़्यादा ये जंक फूड खाती थी जिससे कि मेरी स्किन की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी। अभी तो मैंने छोड़ ही दिया है जंक फूड एंड ऑल। कभी कभी 2-3 महीने में एक बार वो तो चलता है, ओके, बट जो हफ्ते में 1-2 बार या फिर बहुत लोग तो डेली खाते हैं, तो ये आपको नहीं खाना है। घर में भी आपको ज़्यादा ऑयली फूड नहीं बना के नहीं खाना है। नॉर्मल सिंपल बैलेंस्ड डाइट लीजिए एंड दैट्स मोर देन इनफ। ऑयली फूड एंड जंक फूड को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। एंड बस यही आपको बैलेंस डाइट फॉलो करनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट जो मैंने फॉलो किया है रिसेंटली, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, वो था योगा। पहले मैं बिल्कुल ही योगा एक्सरसाइजेस ये सब बिल्कुल भी नहीं करती थी, बिल्कुल ही नहीं। फिजिकल एक्टिविटीज़ तो मैं ज़्यादा करती ही नहीं थी, लेकिन अभी मैं योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज तो मेरे लिए 1 घंटा करती हूँ, लेकिन अगर टाइम नहीं मिलता एटलीस्ट मैं 15-20 मिनट्स योगा तो करती ही हूँ। ये मेरा हमेशा का रूटीन रहता है। योगा भी कुछ स्पेशल योगास होती है जो आपकी हमारी स्किन एंड हमारी हेयर के लिए होती है। एंड वो योगा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। मैंने खुद ट्राई किया है, टेस्ट किया है एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है मेरे लिए। मैंने हेयर ग्रोथ के लिए योगा आसनास भी कुछ आप लोगों के साथ शेयर पहले किया है, शायद आप लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो स्किन के लिए ठीक उसी तरीके से स्किन के लिए भी योगा होती है एंड वो योगा आसनास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हमारी स्किन इंटरनली ग्लो करती है, एकदम अंदर से जो ग्लोइंग स्किन कहते हैं ना वो आप आ सकते हो अगर आप योगा करते हो। एंड योगा बहुत ही सिंपल योगा स्टेप्स ही मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा टफ योगा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और एक बात, मैं हमेशा स्किन केयर रूटीन या फिर योगा ही मैं बहुत ज़्यादा सिंपल ही करती हूँ, सिंपल स्टेप्स ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर मैं कर दूँ तो वो मैं 1 या 2 दिन ही कर सकती हूँ, लेकिन डेली फॉलो करना ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो हमेशा मैं मेरी योगा आसनास को भी सिंपल रखती हूँ एंड स्किन केयर रूटीन को भी सिंपल रखती हूँ जो मैं डेली फॉलो कर सकूँ, नो मैटर कि मैं घर में हूँ या फिर बाहर हूँ। ऐसा स्किन केयर रूटीन आपको भी फॉलो करना चाहिए जो आप अगर बाहर भी हो तो आप इजीली फॉलो कर सकते हो। बहुत ही टफ एकदम 8-9 स्टेप्स स्किन केयर रूटीन अगर आप फॉलो करोगे तो वो हार्डली आप 1-2 दिन ही कर सकते हो, उसके बाद आप फेड अप हो जाओगे और आप छोड़ ही दोगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ओके। सिंपल से कुछ बेसिक CTM रूटीन आपको करना है स्किन केयर में एंड योगा में आपको सिंपल कुछ आसनास जो आप कंफर्टेबली कर सकते हो वो आपको फॉलो करनी है। एंड योगा को जब मैंने इनकॉर्पोरेट किया है मेरी लाइफस्टाइल में तब क्या हुआ कि ह्यूज ड्रास्टिक डिफरेंस मैं देख सकती हूँ मेरी हेयर्स में भी एज वेल एज मेरी स्किन में भी, मेरी होल बॉडी में भी। योगा वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्किन केयर, हेयर केयर, सब कुछ के लिए अच्छी होती है। एटलीस्ट 5 मिनट्स आप दे ही सकते हो योगा के लिए डेली, आई थिंक इतना तो टाइम आपके पास होगी ही। सबके पास टाइम होती है लेकिन हम बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, तो इसलिए हम नहीं करते हैं। अगर भी चीज़ अगर हम मन से करना चाहें, अगर हमें हमारी इच्छा हो तो जितना भी हम बिजी है या फिर जो भी है, हम एटलीस्ट उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाल सकते हैं। तो अगर आप रियली चाहते हो करना देन आप डेफिनेटली कर सकते हो, नो मैटर आप कितना भी ज़्यादा बिजी हो। लास्ट जो स्टेप जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बेसिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है स्ट्रेस। सो स्ट्रेस से आपको दूर रहना है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, बहुत ज़्यादा टेंशन होगी आपकी, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल लगेगी। आई थिंक आपने भी फॉलो किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो किसी भी चीज़ को लेके, जब अपने फेस को देखते हो मिरर में तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डल है आपकी फेस, बिल्कुल भी ब्राइटनेस नहीं है, ग्लो नहीं है। तो इसीलिए आपको स्ट्रेस को दूर रखना है, माइंड को आपको हैम्पर नहीं करना है। एंड मैं स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए ये करती हूँ, जब मुझे ज़्यादा टेंशन होती है तब मैं सो जाती हूँ। तो ये स्टेप आप भी कर सकते हो, ओके, जब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो सीधा जाओ अपने बिस्तर में, पिलो लो और सो जाओ।
दैट्स द सिंपल स्टेप जो मैं फॉलो करती हूँ एंड आपको भी सजेस्ट करती हूँ। इससे क्या होगा, आप सो जाओगे एंड जब आप उठोगे ना तो आपकी जो स्ट्रेस, अगर आप 100% स्ट्रेस थी तो आप फील करोगे सो के उठने के बाद वो 50% टाइप हो जाएगी, आप इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे सेम उसी टॉपिक को लेके। तो इसीलिए ये टिप आप फॉलो कर सकते हो एंड डेली वैसे भी आपको 8 से 9 घंटे तो आपको सोना ही है नो मैटर व्हाट। स्लीप लेने से आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती है और आपकी डार्क सर्कल्स भी नहीं होती है, क्योंकि डार्क सर्कल की एक मेन रीज़न होती है एनाफ स्लीप ना लेना। जितनी भी आपकी स्किन की टेक्स्चर अच्छी क्यों ना हो वो डल ही लगती है देखने में, तो आइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब आप प्रॉपर नींद लोगे आपकी डार्क सर्कल नहीं होगी, आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा क्लीन क्लियर एंड हेल्दी भी होगी। सो गाइस यही था कुछ बेसिक सा स्टेप्स जो मैं फॉलो करती थी। आई नो ये बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टेप्स हैं लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत लोगों को पता भी है लेकिन ये फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ये बेबी स्टेप्स फॉलो करोगे ना तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी आपकी स्किन में, आपकी स्किन में पिंपल एक्ने ये सब रिड्यूस हो जाएगी, स्किन से पिंपल एक्ने ये सारी रिड्यूस हो जाएगी, आपकी स्किन आपकी हेयर सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे और भी वीडियोस आगे देखते रहने के लिए। सो मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।